बंगाल और तेलुगु टाइटंस के बीच इस सीजन दो मुकाबले जो पहले खेले गए हैं, दोनों के दोनों बंगाल वॉरियर्स ने 5-5 पॉइंट से जीते हैं। एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं और यहां जयंत कुल्ली, क्या दो पॉइंट या आउट है या डिफेंडर का पैर मिड लाइन क्रॉस किया, बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये तूफानी सुपर रेड, बिल्कुल ये क्लास होती है दादा, अगर जब आपका हैंड नहीं जा रहा और आपको वो जगह और या मिल रहा है तो आप अपनी थाइस या लात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही किया, यही प्लानिंग होनी चाहिए। रजनीश एक बार फिर यहां, 5 का डिफेंस है रजनीश के लिए, आराम से गए और दादा इनका बॉडी फोर्स इतना है, वो क्या बात है, ये टाइटंस कमाल कर रहे हैं। सुपर टैकल, 2 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। टाइम निकलता जा रहा है, यानी कि रविंदर थोड़ी दिक्कत में है, आउट, क्या बात है। यहां डुओ डायरेड में मनिंदर सिंह आए हैं और मनिंदर इस बार भी 2 पॉइंट लेकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दादा, अरमान आज सोच के आया कि मैं लास्ट मैच में अपने सारे अरमान पूरे करूंगा, वही पूरे कर रहे हैं इस बार, जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए। सुरजीत सिंह गए हैं एडवांस और कमाल का टैकल है। 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। अरमान नंबर 16 देख लीजिए, अरमान ने 8 रेड में 8 पॉइंट लिए हैं और एक बार टीम का ऑल आउट भी बचाया और तूफानी सुपर रेड भी की। तो 7 पॉइंट्स की लीड बंगाल वॉरियर्स के पास इस पहले हाफ में। यहां लीड अब 7 की नहीं रहेगी, थोड़ा सा कुछ चेंज होगा, वो बढ़कर के 8 हो गई है और वो भी इनफैक्ट कवर भी नहीं, सेंटर में खेल रहे हैं फिलहाल, वो ना राइट कॉर्नर ना लेफ्ट कॉर्नर, सेंटर जहां अमूमन एक रेडर आता है। तो एक और नया एक्सपेरिमेंट, जो रेडर हैं उनको डिफेंस पे खिला के देखा है, जो डिफेंडर हैं उनको रेडर के तौर पे यूज करके देखा, सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे। तेलुगु ने बीओडी में इस बार 100% का रिकॉर्ड रखा है, ये भी कामयाब, एकदम अलग फुटबॉल होता है, लेकिन अब तक टच आया नहीं है। रविंदर क्या सुपर रेड है, बेशक तूफानी सुपर रेड। रविंद्र रमेश कुमावत इस समय 5 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर, 3 रेड में 2 पॉइंट ले चुके हैं और 2 पॉइंट इनको पिछली रेड में मिले थे। ये सुरजीत आए और सुरजीत गए, ओ रेडर आउट, रक्षित आउट है, ये सामूहिक टैकल है। पहला टच क्या जियाउर रहमान का हुआ था। ज्यादा से ज्यादा स्किल्स सीखने का प्रयास करते हैं और यहां एक बार फिर सामूहिक टैकल। फाइनल में तो अभी वक्त है, लेकिन प्ले ऑफ में अपनी पोजीशन मजबूत करने के नजदीक पहुंच चुके हैं। सुरजीत सिंह 5 पॉइंट डिफेंस में और 2 पॉइंट रेड में।